सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि एरो इंडिया शो 2019 में HAL की तरफ से कई सारे नए प्रोडक्ट्स देखने को मिले थे और इन्हीं नए प्रोडक्ट्स में से एक था रोटरी अनमैन एरियल व्हीकल यानी कि RUAV। तो आज के एपिसोड में हम आपको HAL के इसी नए RUAV के बारे में कुछ डिटेल्स बताने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि HAL के इस RUAV की ज्यादा इमेजेस जारी नहीं हुई हैं और इसीलिए इस वीडियो में जो भी फुटेज यूज की गई है वो केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। HAL ने इस RUAV को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE और IIT कानपुर के सहयोग के साथ विकसित किया है और इसे खास तौर पर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। यानी कि ये RUAV लैंड बेस्ड ऑपरेशंस के साथ साथ मैरीटाइम ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये 200 किलोग्राम तक की वेट कैटेगरी वाला एक RUAV है जिसमें ट्विन ब्लेड मेन रोटर लगी हुई है और इसे पावर देने के लिए इसमें स्थानीय तौर पर विकसित किए गए एक पेट्रोल इंजन को इस्तेमाल किया गया है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की तो इस RUAV को 200 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है और इसका एंड्योरेंस टाइम 6 घंटे का है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे 6 किलोमीटर के अधिकतम ऊंचाई तक आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और ये RUAV 40 किलोग्राम तक के मैक्सिमम पेलोड को भी कैरी करने में सक्षम है और इसके पेलोड्स में सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, लाउड हेलर, सर्च लाइट्स, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरास शामिल हैं। इस RUAV में एक फुल ऑथोरिटेटेड डिजिटल इंजन कंट्रोल और SLR DC डेटा लिंक दिया गया है जो कि इसे एक फुली ऑटोनोमस मोड की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। यानी कि ये RUAV ऑटोमेटिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और वो भी रिटर्न टू होम रिकवरी ऑप्शन के साथ। यानी कि इसे जहां से लॉन्च किया गया है ये वहां पर अपने आप वापस आने में सक्षम है और साथ ही लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस के लिए इसमें रियल टाइम डेटा और वीडियो की कैपेबिलिटी भी शामिल है। इसके शुरुआती डिजाइन को जनवरी में पूरा कर लिया गया था लेकिन फिलहाल इसके शुरुआती डिजाइन रिव्यू को क्लीयरेंस मिलना बाकी है। इसे मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक ग्राउंड एसेट्स, टारगेट डेजिनेशन एंड ट्रैकिंग, लैंड सर्वे एंड टेरेन मैपिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस और साथ ही IED और लैंडमाइंस का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी इन लैंड बेस्ड ऑपरेशंस के साथ साथ इसे कोस्टल सर्विलियंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ओवर बीच एंड पोर्ट मॉनिटरिंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, रडार एंड मिसाइल डिकॉय और डी कंजेशन ऑफ पोर्ट्स जैसे मैरीटाइम ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसे दिन और रात दोनों ही तरह की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कई क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये भारत का पहला एक प्रॉपर अनमैन हेलीकॉप्टर है और इंडियन आर्म फोर्सेस में इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की बहुत पहले से ही रिक्वायरमेंट थी। हालांकि इससे पहले HAL ने DRDO और इजराइल के साथ मिलकर चेतक हेलीकॉप्टर्स का एक अनमैन वेरिएंट बनाने की भी कोशिश की थी। हालांकि इसमें HAL को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी लेकिन अब HAL द्वारा जो ये नया रोटरी अनमैन एरियल व्हीकल बनाया गया है ये अब कुछ भारी पेलोड्स जैसे कि हथियारों के साथ भी विकास के लिए तैयार है और इंडियन आर्म फोर्सेस के अनमैन हेलीकॉप्टर्स की जरूरतों को पूरा करने की तरफ ये एक पहला महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।